जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे समेत आसपास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट एक बार फिर से कुलाचे भरने लगेगा। यमुना अथॉरिटी के एयरपोर्ट के निर्माण के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, जर्मनी समेत तमाम देशों की कंपनियां यहां निवेश करना चाहती हैं। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट 2018 के लिए भी सरकार कमर कसे हुए हैं और इस तरह ग्रेटर नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास उसके सपनों का घर अफोर्डेबल प्राइस में मिले। चलिए आपको बताते हैं, जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। एनसीआर का बेस्ट रेजिडेंशियल हब बनेगा गौर यमुना सिटी। एयरपोर्ट मेट्रो और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी। जेवर एयरपोर्ट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जेवर एयरपोर्ट को वेस्टर्न यूपी में विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। एयरपोर्ट निर्माण के लिए देसी विदेशी कंपनियों ने रुख करना शुरू कर दिया है। जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड, जर्मनी समेत देश की कई कंपनियां यहां निवेश की इच्छा जता चुकी हैं। अकेले पतंजलि 1000 करोड़ का निवेश कर रही है, तो वहीं सैमसंग जैसी नामी कंपनियां भी यहां करोड़ों का निवेश करने जा रही हैं। दरअसल प्रदेश सरकार इस साल 21-22 फरवरी को इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन करने जा रही है और सरकार की कोशिश है कि इस समिट में उसे बड़ी कामयाबी मिले। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुंबई के यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 के लिए आयोजित रोड शो में उन्होंने कई बैंकर से मुलाकात की और उनसे राज्य में निवेश का आह्वान किया। माना जा रहा है कि कई देशी विदेशी कंपनी इन्वेस्टर समिट में जेवर एयरपोर्ट के पास निवेश करने की घोषणा कर सकती है। तो वहीं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने हैदराबाद में रोड शो आयोजित कर उद्यमियों एवं निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया। ग्रेटर नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से यहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। दिल्ली एनसीआर के लोग एयरपोर्ट तक आसानी से आ जा सकेंगे। इसके लिए यमुना अथॉरिटी मेट्रो रेल चलाएगी। मेट्रो रेल परियोजना का काम जेवर एयरपोर्ट के साथ ही शुरू करने की योजना है। इस परियोजना का काम शुरू करने के लिए अथॉरिटी ने ओएसडी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति बनाई। समिति परी चौक से प्रस्तावित एयरपोर्ट तक सर्वे कर रही है। परी चौक से होते हुए नोएडा तक मेट्रो ट्रैक बनाया जा रहा है। इसी लाइन से जेवर की प्रस्तावित मेट्रो को भी जोड़ा जाएगा। इससे जेवर दिल्ली एनसीआर से जुड़ जाएगा। इससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में भूमार्जन की कार्रवाई एक तो की गई है, जिसमें 8 गांव की जमीन हम अधिग्रहित कर रहे हैं। 13 से 6 हेक्टेयर टीएफआर बनाने के काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा, ताकि इन प्रिंसिपल अप्रूवल तक जल्दी से जल्दी अप्लाई किया जा सके और इन्वेस्टर समिट में काफ़ी इस क्षेत्र में निवेश होने की उम्मीद है। बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा भी निवेश होने की संभावना है। कंपनियां आ जाएं और यहां निवेश करें तो उससे यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने आप चीज़ें बेहतर होंगी, उनका आर्थिक स्तर सुधरेगा, समाज का आर्थिक स्तर सुधरेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर और आगरा के लिए नई मेट्रो परियोजनाओं की घोषणा करते हुए कहा था कि जेवर में हवाई अड्डे की स्थापना के काम में तेजी लाई गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर यह मेट्रो प्रारंभ होने के साथ ही कानपुर और आगरा में इसी वित्तीय वर्ष में हम लोग नई मेट्रो को लेकर के आने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर में ही एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भारत सरकार हमें पहले ही अनुमति दे चुकी है और उसकी कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। जहां एक और जेवर एयरपोर्ट बनने से विकास नई ऊंचाइयों को छुएगा, तो वहीं आसपास के इलाकों में रहना होम बायर का सपना होगा। ऐसे में होम बायर्स के पास तेजी से डेवलप हो रहे क्षेत्र में घर लेने के लिए अफोर्डेबल कीमत पर सपनों का आशियाना पाने के लिए विश्वसनीय प्रोजेक्ट्स की ओर कदम बढ़ाना होगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें तो एनसीआर में 30 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के बाद गौर ग्रुप फॉर्मूला 1 ट्रैक के अपोजिट यमुना सिटी बसा रहा है। जिस तरह से हमने अभी गौर सिटी का निर्माण किया, तो घर के साथ साथ एक पूरे शहर की जो फैसिलिटीज है वो टाउनशिप के अंदर मिलती है। आदमी घर के लिए पे करता है, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ओपन एरियाज़ का जो मज़ा है, जो ग्रीनरी का मज़ा है, जो स्कूल है, मंदिर है, कमर्शियल स्पेसेस हैं, ये सब आपको वेसिनिटी में वॉक टू फैसिलिटी तक आपको मिलते हैं। जब से जो है यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जो है एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट उसका नाम रखा गया है, तो हमारे हिसाब से वो आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा डेवलपमेंट के हिसाब से, जहाँ नई कंपनियां, नए रोजगार
और रहने के लिए नए नए विकल्प उसमें मिलेंगे। तो गौर सिटी, गौर यमुना सिटी उसमें सबसे आगे इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें डेवलपमेंट का काम काफी हो चुका है। गौर यमुना सिटी में बायर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर कई तरह के फ्लैट्स और विला तैयार किए जा रहे हैं। यमुना सिटी में स्कूल, पार्क, स्टेडियम, शॉप्स, हॉस्पिटल समेत लगभग सभी तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बसाया जा रहा है। 240 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 15,000 अपार्टमेंट तैयार किए जा रहे हैं। जहां एक और पॉल्यूशन ने लोगों का सांस लेना दूभर किया है, तो वहीं 80% ग्रीन एरिया प्राइम लोकेशन इस प्रोजेक्ट की वो खासियत है जो किसी भी होम बायर को उसका ड्रीम होम यहां लेने के लिए प्रेरित करे। 10 एकड़ के करीब में एक बड़ा एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया है, रोड्स है, पार्क्स है, क्रिकेट स्टेडियम्स हैं और ग्रुप हाउसिंग के अंदर जो है लगभग 3,000 फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है। उसका फेज वन जो है अगले 4 से 6 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। सुविधाओं की बात करें तो स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, पार्क, खुले हवादार रूम, बालकनी, पार्किंग, पावर बैकअप और 24/7 सिक्योरिटी समेत कई बातें इसे बेहतरीन बनाती है। यहाँ का वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन, वंडरफुल लैंडस्केप, लेक, ओपन एरिया किसी का भी दिल जीत लेगी। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट एक्सप्रेसवे उसकी एक्सेस है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। अभी जो एग्जिस्टिंग मेट्रो जो बन रही है, जो लगभग कुछ ही महीनों में चालू होने वाली है, वहाँ से हार्डली 10 मिनट की दूरी के ऊपर है। रेजिडेंशियल के लिए तो गौर यमुना सिटी बेहतरीन ऑप्शन है ही, लेकिन अगर बात करें हाई रिटर्न के साथ प्रॉपर्टी में निवेश की, तो यहाँ निवेश एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है और इसे खास बनाती है इसकी कीमतें। जिस तरह का रियल एस्टेट सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से जिस इंटरनेशनल क्वालिटी की हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो है टोटल एसफॉर्म जो साउथ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है उससे कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो है, उस हिसाब से प्राइस आर क्वाइट रीजनेबल। 2600-2700 रुपये स्क्वायर फीट में इंक्लूडिंग लैंड एंड एवरीथिंग जो वहाँ पर वो मिल रहा है, एंड विलास जो है करीबन 28,000 से 30,000 रुपये के अंदर लैंड प्लॉट अवेलेबल, जो कि कहीं भी अवेलेबल नहीं है। उसमें आप अपनी विला बना सकते हैं या बनी बनाई विला भी जो है 60 से 70 लाख रुपये के बीच में, अपना अपनी ज़मीन अपना आसमान वाला ऑप्शन आज की डेट में धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, तो वो एक अच्छी रेंज के अंदर। उसी वजह से वहाँ पर रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अभी अपने मकान ले लिए हैं और काफ़ी लोग जो है इंक्वायरी में है। प्रोजेक्ट गौर यमुना सिटी, टाइप प्लॉट विला फ्लैट, प्राइस 25 लाख से 75 लाख अप्रॉक्स। हाई रिटर्न के साथ प्रॉपर्टी में निवेश के लिए भी ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से यमुना सिटी वेल कनेक्टेड है और नोएडा सेंटर से 15 मिनट की ड्राइव से यहाँ पहुँचा जा सकता है। गौर यमुना सिटी की एक और खास बात है कि यहाँ भगवान कृष्ण की सबसे ऊंची मूर्ति भी बनाई जाएगी। वहाँ पर हमने श्री कृष्ण जी की मूर्ति का भी भूमि पूजन उसका किया है, जो शायद देश में सबसे ऊंची कृष्ण जी की मूर्ति होगी। जेवर एयरपोर्ट के आने से यमुना सिटी एक बेहतरीन रेजिडेंशियल हब बनने जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट पर तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। ऐसे में होम बायर तेजी से विकसित हो रहे यमुना सिटी में अपने सपनों का आशियाना पा सकता है। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, समाचार प्लस। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में फिलहाल इतना ही।